Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में चल रहा पहलवानों का धरना केंद्र सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। राकेश टिकैत समेत पंजाब व हरियाणा के किसानों ने आज जंतर मंतर पहुंचकर रेसलर के समर्थन की घोषणा कर इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। वहीं रविवार को मेरठ में रालोद की महिला कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी के सामने स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इन महिलाओं ने कहा यदि ब्रजभूषण शरण सिंह को समय रहते गिरफ्तारी न किया गया तो वे भी जंतर मंतर के लिए कूच कर देंगी। इस तरह अब भाजपा सांसद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने व आंदोलन के जोर पकड़ते जाने से केंद्र सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस भाजपा की केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। मेरठ में धरनारत विधानसभा चुनाव में रालोद सपा गठबंधन की कैंट प्रत्याशी रही मनीषा अहलावत ने यह कहा। मेरा नाम मनीषा अहलावत है और मैं मेरठ से हूँ, मेरठ से चुनाव भी लड़ी हूँ और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी मेरठ की ही माताएं बहनें हैं, बच्चियां भी हैं और सभी को ये लग रहा था, हालांकि इस समय चुनाव चल रहे हैं आप सबको पता है, तो हमें तो चुनाव प्रचार में होना चाहिए था मोदी जी की तरह, लेकिन हमने ये मुद्दा ज़्यादा गंभीर समझा और हमें लगता है कि जब बेटियों की आवाज़ दबाई जा रही है तो महिलाएं, माताएं, बहनें ही आगे आएंगी और कोई तो सुन नहीं रहा है। आप तो मेडल लाते हैं तो उसका फुटेज तो खा जाते हैं पब्लिसिटी, लेकिन जब वो शिकायत करती है तो आप अनसुनी अनदेखी कर रहे हैं और बल्कि उनकी भी आवाज दबा रहे हैं। आपकी किस लिए बैठे हो, क्या चाहते हैं? हमारी मांगे ये है कि जिस आदमी पे पॉक्सो एक्ट में FIR हुई है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो, वो WFI से इस्तीफा दे और बेटियों की जो जांच चल रही है उनके बयान, वो आदमी TV पर आके उनके नाम ले रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप विक्टिम का नाम आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं, तो जब तक वो आप उसको खुला रखेंगे वो ये काम करते रहेंगे, वो इनको धमकाएंगे भी, प्रेशर भी बनाएंगे तमाम तरह से, तो इनका जेल जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो सत्ता में बैठे हैं, एक सामाजिक संदेश अच्छी सही तरीके से जाना चाहिए। बहुत गलत संदेश जा रहा है जब सत्ता पक्ष का कोई भी मंत्री महिला भी आकर खिलाड़ियों से नहीं मिली है और वो एकदम इसको झुठला रहे हैं, वो सोच रहे हैं इसको हम कारपेट के नीचे डाल देंगे, आँख बंद कर लेंगे तो ये समस्या चली जाएगी। ऐसा नहीं है, ये समाज में एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। माँ बाप अपने बच्चियों को आगे कैसे भेजेंगे जब उनकी सुरक्षा का आगे कोई वायदा ही नहीं है? प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ का इतना बड़ा वायदा करा और वो तोड़ दिया। इस मौके पर रालोद नेता संगीता दोराहे ने फर्स्ट बार TV से यह कहा। जंतर मंतर पर जो पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं उनके सपोर्ट, क्योंकि FIR हो गई है, FIR तो नॉर्मल जाके भी कोई करा देता है, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया गया? उनको कोई न्याय नहीं मिला, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और मुझे पूरा यकीन है गिरफ्तारी होगी भी नहीं, क्योंकि वो ब्रजभूषण जी जिस क्षेत्र को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे अगर भाजपा ने उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि वो इतनी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको वो जिसपे उनका वजूद है और वो भी माफिया वाला, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं होगी। वरना आप बताओ, वो प्रधानमंत्री बेटियों के साथ में फोटो खिंचाते हैं, आज वो प्रधानमंत्री जी वहाँ पर बैठे भी नहीं है। अगर मेरे फादर हो, मेरे पिता हो, मेरे सर पे हाथ ही रख देते हैं, मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है। और जिस वक्त वो मेडल लेकर आई थी आप सभी लोग देख रहे होंगे, उस टाइम तो उनको सर पे हाथ रखना कि आप हमारे देश का गौरव हो, आप हमारी बेटियां हो, आज वो पिता कहाँ चला जाता है? सर पे हाथ रखना तो दूर की बात है, एक बार कोई अपने लोगों को भी नहीं भेजता कि बेटिया आप, बेटा आपको कुछ नहीं होगा। इतनी सुरक्षा वहाँ पर है कि हम किसी को भी, हम जैसे समाज सेवियों को जो बैठी हुई महिलाएं, बिल्कुल जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जाने दिया गया। तो आप ये देखिए, जब वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है और सुरक्षा वो हटा दी गई, तो वो क्या आपको लगता है कि आप वो बेटियां जिंदा रह पाएंगी? इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।